हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही टाइम बाद फिर से ब्लॉगिंग करने का सोचा है। अप्रॉक्सीमेटली शायद साल हो चुका है अमृतसर के बाद, अब जाके कैमरा या वीडियो बनाने लगा हूँ। फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ। इट्स मंडे मॉर्निंग और बहुत ही ब्यूटीफुल डे है, आप पीछे देख ही सकते हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं आज, अपनी लॉ यूनिवर्सिटी, पुराना ग्रेजुएशन कॉलेज और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, तो चलते हैं। थोड़ा सा बस जरूरी काम पड़ गया, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर निकलते हैं। बड़ी ही यादें जुड़ी हैं इस जगह से। कुछ साल पहले यहीं से हर रोज़ कॉलेज जाया करते थे और मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, इसी बस स्टॉप से जाते थे और कॉलेज की तरफ जाते थे। आज भी जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आधा रास्ता तो कैब से अभी आ गया हूँ, आगे बस से जाऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने पुराने ग्रेजुएशन कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ जाके फिर आपको दिखाता हूँ। दिल्ली में मैरिज पैलेसेस देख लो, आगे से तो बहुत सुंदर बने होते हैं और पीछे से निकलते हैं ये टेंट। मैं अपने पुराने कॉलेज की तरफ ही प्रस्थान कर रहा हूँ। राजधानी कॉलेज और शिवाजी कॉलेज बिल्कुल आमने सामने हैं, तो दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आते हैं और मेरी ग्रेजुएशन राजधानी कॉलेज से हुई है। और हाँ, इस ब्लॉग और पुराने ब्लॉग्स में ये ज़रूर डिफरेंस रहेगा कि बाय गॉड्स ग्रेस इसमें कोई स्लो मोशन और टाइम लैप्स ज़्यादा नहीं डालूंगा, क्योंकि पिछले व्लॉग्स में इतने ज़्यादा हो गए थे कि किसी ने देखा ही नहीं। और वो रहा मेरा पीछे कॉलेज, राजधानी कॉलेज, तो चलते हैं। ये सारी ही जगह बहुत प्रिय है, बहुत प्यारी है, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ बिताया है, स्पेशली कैंटीन वो पीछे। बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं इस कॉलेज में और ये है भी बहुत अच्छी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारा फेवरेट ब्लॉक था, सारा टाइम यहीं स्पेंड हुआ। यहाँ क्लासरूम नंबर 17 था जो सबसे फेवरेट थी। बहुत ही ज़्यादा यादें हैं इस कॉलेज की और इस जगह की। 3 साल यहीं बिताए हैं और मेरे लाइफ के वो बेस्ट 3 साल थे, जिसमें से डेढ़ साल तो कोविड में निकल गया अनफॉर्चुनेटली। पर खुशी है इस बात की कि जितना टाइम भी रहा वो बहुत अच्छा रहा। और ये सारी जो सड़क है, ये रोड है, पर क्या कर सकते हैं, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। और वो टाइम निकल गया और अब जो टाइम है, अब मेरे लॉ फैकल्टी का टाइम है, क्योंकि मुझे लॉ फैकल्टी में एडमिशन मिल गई और डी यू में ही लॉ कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद आज ना जाया जाए वहाँ, तो शायद ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगा तो आपको पता लग ही जाएगा ऑफ कोर्स, अगर आप आगे तक देखेंगे तो। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है कुछ काम से, उसके बाद देखते हैं फिर। एक दिल्ली हम कनॉट प्लेस वाला इमेजिन करते हैं, पूरा साफ़ सुथरा और बहुत अच्छी जगह, लेकिन एक दिल्ली ये भी है जहाँ पर कूड़े का ढेर कुतुब मीनार से भी ऊपर पहुँच चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक चीज़ तो बहुत बेस्ट है कि सारा दिल्ली कनेक्टेड है मेट्रो और बस रूट से, तो आने जाने की दिक्कत तो दिल्ली में ज़्यादा नहीं आती। जिस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ, पहले इसी रास्ते से हर रोज़ जाया करता था, तो पूरी पूरी डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं डेजा गू के वू जो भी है, पूरा पूरा हो रहा है, बस कुत्ते पीछे ना पै जाए। काम के लिए घर आया था, वो काम हो गया, हुआ नहीं मतलब थोड़ा टाइम पॉज पे डाल दिया अब। और अभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ अपने, और बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए, तो वहीं जाके मिलते हैं। पैदल चलने की और हिम्मत नहीं थी, इसलिए ऑटो ही ले लिया मेट्रो स्टेशन के लिए। अभी रमेश नगर से रजौरी नहीं, अभी यहाँ रमेश नगर से नोएडा की तरफ जाने वाली मेट्रो लूँगा ब्लू लाइन पे,
राजीव चौक उतरूंगा येलो लाइन पे, फिर चेंज करके विश्वविद्यालय जाऊंगा। हाँ यार कितना औखा जाना। मेट्रो का वेट हो रहा है और वो आई मेट्रो, लेकिन मेरी नहीं है, मेरी इधर से आएगी, तो वी हैव टू वेट। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट, क्राउडेड, और सीपी को अगर जाना हो, कनॉट प्लेस को जाना हो, तब भी इधर से ही जाते हैं। अभी वहाँ पहुँच चुका हूँ, अभी येलो लाइन चेंज करके विश्वविद्यालय में जाऊँगा। तो अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त अभिषेक मिले हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। अभी हम सब साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे, लॉ यूनिवर्सिटी, और इकट्ठे ही पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम मेट्रो में बैठते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो मिलते हैं। Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Luckily, जब मैं कॉलेज आ रहा था तो पीछे देखे कौन खड़ा, आरजे अभिनव, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना। ये बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, चलो लकी डे। और जैसे ही हम कॉलेज आ रहे थे तो एक और सेलिब्रिटी मिल गई, जैसे मैंने बता ही चुका हूँ। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ गौरव तनेजा भी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही हम्बल और बहुत ही नाइस पर्सन है। थोड़े दिन पहले मिला था, अगर दोबारा मिलूँगा, मौका मिलेगा तो दोबारा से ज़रूर मिलेंगे उन्हें। तो विद्यालय मेट्रो स्टेशन से हमारा नॉर्थ कैंपस शुरू होता है। ये सारी एरिया ही, सारा लेन बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस हैं, सारा का सारा नॉर्थ कैंपस ही बहुत ही अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। जितने इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं जैसे सेंट स्टीफन, रामजस, हिंदू, वो सब यहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल ही गया, जो मुझे अभिषेक भाई ने याद दिलाया, फैकल्टी ऑफ लॉ, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है वो। फेमस सुनील सेठी अंकल की भेलपुरी बहुत ही फेमस है, आप गूगल पे देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है फैकल्टी ऑफ लॉ, बहुत ही ज़्यादा दुआएं और मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। लॉ सेंटर्स हैं हमारे यहाँ, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर, जिसे CLC भी कहा जाता है। फिलहाल मैं लॉ सेंटर 1 में हूँ, और ये LC2 और LC1 की बिल्डिंग है। फैकल्टी ऑफ लॉ पढ़ के अलग सी फीलिंग आती है यार। बस दिखाता हूँ अंदर से, नई बिल्डिंग है हमारी, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अंदर से दिखाता हूँ। हमारे क्लासरूम्स हैं सारे, अभी मेरी भी 4 क्लासेस हैं, तो क्लासेस करके मिलता हूँ। हमारी क्लास अभी टाइम हुआ नहीं तो बच्चे कम आए हैं, लेकिन जितने भी आए सही। हमारी बिल्डिंग में तो हर जगह जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है, और हम लिफ्ट से ही जाते हैं, ऐसे तो हम चल भी नहीं पाते, सही है। नहीं नहीं क्लास लिफ्ट से ही जाते हैं। और अभी हम एक सर की क्लास लेने जा रहे हैं, जो IPC की, जो कि इतनी फेमस पूरी यूनिवर्सिटी में, इतनी फेमस और इतनी अच्छी है कि बच्चे एक दूसरे को धक्का मार के क्लास में जाते हैं, और क्या कहते हैं, पूरा क्लासरूम भरा रहता है और सब कुछ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, और अब आप रश देखना सिर्फ क्लास लेने के लिए, ये सारे सिर्फ IPC क्लास लेने के लिए, द मोस्ट फेमस। बच्चे नीचे तक बैठे,
इतना ज़्यादा रश सिर्फ क्लास में बैठने के लिए, हम भी दूसरी क्लास से डेस्क लेके आए हैं बैठने के लिए। थोड़े टाइम पहले हम मुरारी सर की, मतलब आईपीसी सर की क्लास करके आए और देखो कैसे जाते हैं सुन लूंगा। और क्या जबरदस्त क्लास थी, आग लगा दी। और सच्ची में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वर्ड्स के थ्रू में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो जो लेकिन ये क्लास करना नहीं चाहता मेरी वजह से क्लास करता। आपको कैसे लगा वैसे सर पढ़ाना? मेरे फेवरेट सर हैं सर। आप भाई आपका या मोस्टली तो वो पीछे मेरी बिल्डिंग फैकल्टी ऑफ लॉ, और बिल्कुल यहाँ देखिए मोर पीकॉक बहुत सारे हैं। रुको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये बिल्कुल हमारे कॉलेज के सामने, जंगल तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छा जगह है, फॉरेस्ट एरिया है, साथ ही मोर चलते हैं हमारे, देख सकते हैं ये पत्थर। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ हैं हमारे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने हैं। और अभी हम सुदामा चाय वाला आप गूगल पे देख सकते हैं, वहाँ जा रहे हैं चाय पीने, बहुत ही टेस्टी चाय है, मैंने तो पहले काफ़ी बारी पी है। तो अभी व्लॉगिंग के टाइम अभी पे आपको दिखाता हूँ कैसी चाय है। ये आज फैकल्टी की बिल्डिंग, मतलब उसकी बैक है, मेन तो उसके सामने है, वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अभी सुदामा चाय की तरफ ही जा रहे हैं, पर हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे तो अभी पीछे से होके जा रहे हैं। और अभी हम आज फैकल्टी में एंटर कर चुके हैं। उधर क्यों जा रहे हैं? हम उधर सुदामा चाय वाला इस तरफ है, नहीं इस तरफ। बहुत ही अच्छा बना हुआ है सारा ही, सारा आपस में जॉइंट है, इकट्ठा ही है। अभी दिखाता हूँ आपको। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the. ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जो न्यूज़ में सब बिल्डिंग आती है और ये मेन बिल्डिंग वो यही है, बहुत ही अच्छी बनी है। यहाँ आके एक अलग सी फीलिंग आती है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have. हमारे कॉलेज की समथिंग लाइक कैंटीन, पर कुछ है नहीं कैंटीन जैसा, ऐसे ही है बस। ये है कैंपस लॉ सेंटर CLC, जैसे मेरा LC1 है वैसे ही ये CLC। ये काइंड ऑफ कॉमन एरिया बैठने वाला और पार्किंग पीछे। ये बड़ा ही मस्त एरिया है CLC का, यहीं हम चिल आउट करते हैं कभी कभी। यहीं पे जैन बुक डिपो है, बहुत फेमस है, चाय वाला है, साथ ही सुदामा चाय वाला जहाँ हम जा रहे हैं। सारी पार्किंग यहीं होती है, तो जितने भी पुकरी मारने के लिए आते हैं वो यहीं आते हैं। यू तो स्टॉक, ये सब बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं। ये कौन सा कॉलेज है अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा बहुत फेमस होगा। और वो जहाँ भीड़ लगी वो सुदामा चाय वाला जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो वहीं मिलते हैं। चाय ले ली है और बहुत ही अच्छी चाय है। कैसी लगी अभिषेक? बहुत अच्छी चाय है। राम भाई कैसी लगी? और सच्ची में अच्छी चाय है, वैसे मैं पी चुका हूँ, ये तो बस वीडियो के लिए बता रहा हूँ। और ये सारी जगह बहुत ही अच्छी है, हम यहीं घूमते हैं चाय पी रही है।
फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट DU और सामने है करोड़ीमल कॉलेज। हमारी अब IPC की शायद 2 क्लासेस रह गई हैं, 2 घंटे की क्लास है अब, क्योंकि मेरा इवनिंग कॉलेज है तो मेरी क्लासेस 2 से 8 हैं और अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, अभी 2 क्लासेस और हैं। 8 बजे के आसपास हम फ्री होंगे और फिर मैं घर जाऊंगा। जहां भी भीड़ दिखनी शुरू हो जाए समझ लो सुदामा आने वाला है, चाय वाला, और वो रहा सुदामा चाय वाला। इस क्लास में जा रहे हैं, चाहे जाना एक फ्लोर ही ऊपर है पर जाएंगे हम लिफ्ट में क्योंकि अपना भी टच है। और अब शाम हो चुकी है, बाहर आप देख ही सकते हैं क्लासेस भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं, थोड़े टाइम में बस घर के लिए निकलता हूँ। शाम के टाइम ये सारी बिल्डिंग ही बहुत शांत हो जाती है और मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ बाहर के। ये एक विंडो, ऐसी बहुत सारी बालकोनीज हैं जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। अभी दूसरी बालकोनी अगर खाली होती है तो मैं दिखाता हूँ। स्पूकी सी वाइब आ रही है और डर लग रहा है कि कहीं लिफ्ट में ना फंस जाऊँ। सब बालकोनीज ऑक्यूपाइड हैं इस टाइम पे, सो बालकोनी से व्यू तो इस बार ही नहीं दिखा पाऊँगा, पर बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छी जगह है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कैंपस ही सारा बहुत अच्छा है। शाम के टाइम कैंपस कुछ ऐसा दिखता है, लाइट्स ऑन हैं, ठंडी ठंडी हवा है, बहुत ही अच्छी रोड है, मज़े ही मज़े। कॉलेज से आगे मेट्रो स्टेशन चल के जाना है, 1 किलोमीटर वॉक है जैसे आया था, और अभी वहीं जा रहा हूँ और फिर मेट्रो लेके फिर वापस घर जाऊँगा। आज का दिन मैं बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, बहुत टाइम बाद बना रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और बस उम्मीद करूँगा कि ऐसे व्लॉग्स और बनाऊँ। आज के लिए